सभी को मेरा प्रणाम। मैं पूर्वी विजयवर्गीय, होलिस्टिक योगा थेरेपिस्ट एंड वेलनेस लाइफस्टाइल काउंसलर। सबसे पहले तो मैं नगर निगम ग्रेटर की माननीय हम सबकी प्रिय महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, मेयर महोदय जी डॉक्टर सौम्य गुर्जर जी को, जिन्होंने मुझे ये बेहतरीन खूबसूरत अवसर प्रदान किया आज जवाहर कला केंद्र में टॉक शो के अंदर मेरी कहानी, मेरी जुबानी, अपने अनुभव साझा करने का। उसी के लिए, उसी में ही, उसी से रिलेटेड ही मैं आपको कुछ संक्षेप में कुछ बताना चाहूँगी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड, जब मैं 10 वर्ष की थी। मेरे से 3 साल बड़ी मेरी डियर सिस्टर, उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, केयर करती रहूँगी। आज भी वो फिजिकली रूप से हमारे बीच नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। कुछ दिव्य शक्तियाँ जीवन में ऐसी होती हैं जो आपके कदम ही बदल देती है, और शायद मेरे जीवन के अंदर भी वो हमारे लिए फरिश्ता के रूप में थी, मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए। तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे से सबसे क्लोज चीज़ें जब मेरी नहीं है, वो भी एक दिन चली जाएगी, तो क्या मेरा? तो तब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी स्पिरिचुअलिटी में। मैं ब्रह्मा कुमारी, संजय वुमन ऑर्गेनाइजेशन, विपश्यना, श्री श्री रविशंकर जी, सदगुरु, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के अंदर भी गई हूँ, जिसमें मेरी मैंने अपनी चीज़ों को जाना कि मेरे अंदर जो इतने सारे थॉट्स थे उनकी क्लैरिटी मुझे मिली कि ये जीवन क्या है, हम इस जीवन में क्यों आए। तो मनुष्य जीवन मिला है, ये सबसे बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। सभी योनियों में से सर्वोच्चम जो योनि है वो एक मनुष्य योनि है, और उसका अर्थ ये है कि जीवन सही तरीके से जिए, जीवन को काटना नहीं है, जीवन को जीना है। कुछ आए हैं तो कुछ सौंप करके और कुछ दे करके हमको सबको जाना है। और यूथ के लिए मैं स्पेशल संदेश दूंगी, ये मेरी आई एम 19 और मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ। ये मैं सिर्फ इसलिए बन पाई क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ ये है कि भगवान मेरे साथ हमेशा है, और आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कारण ही। हमारे आंगन के अंदर ऐसी बच्चों को, ऐसी आत्माओं को भेजा जो कि उनकी पुरानी जर्नी में कहूँगा कुछ ना कुछ है, क्योंकि 19 साल की उम्र में उसने जिस मुकाम तक वो पहुँच रही है और जो उसका विचार है, जो उसका कार्य प्रणाली है, जो उसका सोच है, तो मैं तो कई बार घर में कहता हूँ कि वो हमारी गुरु भी है। कहा जाता है माता पिता गुरु है, लेकिन वो हमारी गुरु बनती है। और जब भी हम भी कभी कभी जब डिस्टर्ब होते हैं लाइफ के अंदर, तो हमको वो एक दिशा दिखाती है, हमको एक रास्ता दिखाती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 19 साल की उम्र में पहुंची है। और जैसा कि उसने अपनी जर्नी में बताया कि 9-10 साल पहले परिवार में घटना घटी, बड़ी पुत्री चली गई, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई। बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थानों ने और गुरुओं के बीच में कहीं ना कहीं रहने का सौभाग्य रहा। ये ड्रामा है जो सब तैर था, मुझे लगता है।